हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में कृषि और फसलें। और ये तथ्य राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पाए गए हैं। इसमें मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो अमेरिकन कपास का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है, बाजरा यहाँ सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है राजस्थान में। और राजस्थान देश का एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है बाजरे का। श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान में कपास की खेती मुख्यतः श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अजमेर में की जाती है। ये तीनों जिले जो हैं कपास की खेती के लिए प्रमुख रूप से अग्रणी हैं। भारत में हरित क्रांति M.S. स्वामीनाथन के प्रयासों से शुरू हुई थी और हरित क्रांति की शुरुआत यहाँ पर 1966 और 67 के वर्ष में हुई थी, जब भारत में भी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक खास बात राजस्थान की कृषि की ये है कि यहाँ पर भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की दाल उगाई जाती है। यह प्रश्न भी RAS परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है। राजस्थान का ऐसा जिला है एक जो ईसबगोल और जीरा उपज के लिए प्रसिद्ध है, और वह जिला है जालौर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थित है और यह भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। राजस्थान में इजराइल की सहायता से शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है उस फसल का नाम है होहोबा। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और बूंदी। टसर यानी कृत्रिम रेशम, इसका विकास कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था और इसके लिए जो जिले चुने गए थे वो हैं उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा। ये कृषि से संबंधित प्रमुख प्रश्न हैं जो अनेक बार राजस्थान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं।